बदमाश भाग गया। बदमाश की करतूत का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। पूरा मामला गोला का मंदिर स्थित महावीर कॉलोनी की टीएनडी रेजिडेंसी का बताया जा रहा है। दरअसल शुक्रवार रात को किशोर बच्चिया मल्टी की पार्किंग में बैडमिंटन खेल रही थी, जहां गलत इरादों के साथ मल्टी की पार्किंग एरिया में मुंह पर कपड़ा बांधकर एक्टिवा सवार बदमाश पहुंचे। मौका देख एक किशोरी बच्ची को पकड़ने की भी कोशिश की गई। बच्चियों ने चिल्लाना शुरू किया तो बदमाश मौके से वहां से भाग निकला। नवाली बच्चियों ने अपने परिजनों को इस पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर थाना गोला का मंदिर पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक्टिवा गाड़ी से पहचान की जा रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है, जहां बच्ची को पकड़ने की कोशिश की गई। ये देख सकते हैं स्कूटी सवार यहां पर बदमाश पहुंचा और यहां बच्चियां यहां पर मौजूद थी, जिसके बाद तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है जो सीसीटीवी फुटेज है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और यहां देख सकते हैं बच्चे को पकड़ने की कोशिश की गई है और यहां जिसके बाद चिल्लाने पर वहां से भाग निकलता है। तो एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां देख सकते हैं ये बच्चे को पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं और यहां पर चिल्लाने के बाद जब बच्ची वहां से भागती है तो यहां ये पूरी घटना अपने परिजनों को बच्चियों ने बताई। हालांकि यहां पर जब बच्ची शोर मचाती है और भाग निकलने की कोशिश करती है, जिसके बाद जो व्यक्ति है अपराधी है वहां से फरार हो जाता है। तो एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं ये पूरा सीसीटीवी फुटेज आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं मुंह पर कपड़ा बांध कर ये युवक सामने आ रहा है और यहां पर देख सकते हैं बच्चे को पकड़ने की कोशिश की गई और बच्ची ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, जिसके बाद वहां से आरोपी भाग निकला। तो वही तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ गए हमारे साथ संतोष सिंह, हमारे संवाददाता। संतोष, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, यहां पर बच्ची को पकड़ने की कोशिश की गई है नकाबपोश बदमाश द्वारा, पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे संतोष। सोनाली, मैं आपको बता दूं ये पूरा वाक्य कल रात का है। कल रात को 9 बजे के आसपास गोलका मंदिर इलाके में जो टीएनडी रेजिडेंसी है, उस रेजिडेंसी के जो पार्किंग एरिया है, इसमें जो दो बच्चियां रात को बैडमिंटन खेल रही थी, इसी दौरान एक एक्टिवा सवार युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर उस रेजिडेंसी में आता और उसने अपनी गाड़ी को जो लिफ्ट है लिफ्ट की तरफ उन्होंने खड़ा किया, जहां बच्ची खेल रही थी वहां तक खेलते हुए आया और उसने आसपास सबसे पहले तो जो सुरक्षा कर्मियों को देखा, जो मल्टी में गार्ड रखता है उसको देखा कि वो वहां मौजूद नहीं है, तो उसने एक बच्ची को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बच्ची किसी तरह से उसके चंगुल से भागी और उन्हें चिल्लाना शुरू किया। वहीं दूसरी बच्ची थी, उसने भी चिल्लाना किया। शोर शराबा सुनकर जो बदमाश था वापिस अपनी एक्टिवा उठाकर भागता हुआ नजर आया है, जिस तरह की अब सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गए हैं। हालांकि जब बच्चियों ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी अपनी परिजनों को दी तो परिजन रात में ही थाना गोलाका मंदिर पुलिस के पास पहुंचे थे और सीसीटीवी फुटेज उनको उपलब्ध कराए थे। पुलिस ने रात में ही सर्चिंग करने की कोशिश की है और आसपास के मल्टी के आसपास के और जो सड़कों के किनारे सीसीटीवी लगे उन फुटेजों को खंगाला जा रहा है और पुलिस का दावा है जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी संतोष, वही यहाँ पर जो गार्ड थे, जो सिक्योरिटी गार्ड थे, वो क्या कुछ करे और आखिर यहाँ से गायब क्यों रहे सिक्योरिटी गार्ड, क्योंकि एक ये भी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है संतोष। देखिए, सिक्योरिटी गार्ड उसी मल्टी में मौजूद था, लेकिन किसी ना किसी खाने की वजह से या लाइट स्विच ऑफ करने की, चूंकि काफी बड़ा है। हेलो, जी जी संतोष बोलिए आप। वो काफी बड़ा एरिया है और उस बड़े एरिया के दौरान जी संतोष, आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? हालांकि संतोष से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तकनीकी कारणों की वजह से उनको
कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ जुड़ सके। हालांकि आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है आप देख सकते हैं, सर्कल में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे मौजूद है और यहाँ दो बच्चियां खेल रही थी, बैडमिंटन खेल रही थी आपस में, और यहाँ नकाबपोश बदमाश को भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर पहले वो सिक्योरिटी गार्ड को देखता है कि यहाँ कोई है या नहीं है, और उसके बाद यहाँ पर बच्चे को पकड़ने की कोशिश करता है। हमारे साथ सतीश सिकरवार हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के विधायक, उनसे ज्यादा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ तस्वीरें सामने आ रही है, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है कि यहाँ पर बच्चे को पकड़ने की कोशिश की जाती है, जिसके बाद जो आरोपी है यहाँ से फरार हो जाता है। आखिर बच्चियों को, महिलाओं को सुरक्षा कब मिलेगी? देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री महिलाओं के हिमायती बनने का प्रयास बातों से जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लगातार घटनाएं जिस प्रकार हो रही हैं, अपराध के आंकड़े जिस प्रकार बता रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और जिस प्रकार आप अपने आप को बच्चियां असुरक्षित महसूस कर रही है, मध्य प्रदेश में महिलाओं बच्चियों पर अत्याचार, बच्चियों के गायब होने के मामले सबसे ज्यादा मामले मध्य प्रदेश में। सतीश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर युवक, जिस तरीके से यहाँ पर अपराधी जो है ये कॉलोनी में आता है और इतनी बड़ी हिम्मत बढ़ती हुई नजर आ रही है कि कॉलोनी के अंदर बच्चियों के पकड़ने की कोशिश की गई है, यहाँ पर अपहरण की भी बात सामने आ सकती थी, अगर बच्चियां शोर नहीं मचाती तो यहाँ कुछ अनहोनी भी हो सकती थी। सतीश जी, निश्चित रूप से हौसले, अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस नाकाम हो रही है। पुलिस को जो कानून व्यवस्था सुधारना चाहिए, वो कानून व्यवस्था सुधारने के बजाय पुलिस नेताओं की तो सरकार कब सुधरेगी? सतीश जी, कब सुधरेगी पुलिस प्रशासन, कब सुधरेगा, कब एक्शन में नजर आएगा? देखो, पुलिस प्रशासन दो दिन तक एक्शन में रहता है, दो दिन के बाद एक्शन भूल जाता है, और लगातार इस प्रकार की कार्रवाई पूरे प्रदेश में। तो सतीश जी, करीबन 13 घंटे हो गए हैं लेकिन उसके बावजूद भी अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। नहीं, पुलिस पूरी तरह फेल है, पुलिस की व्यवस्था है पूरी तरह फेल है, और पुलिस का काम ये है कि अपराधियों पर अंकुश लगे, और पुलिस इस समय अपराधियों पर अंकुश लगाने की बजाय नेताओं की, मंत्रियों की आवभगत में लगी है। पुलिस अपना काम छोड़ के दूसरे काम में लगी है। तो मतलब सतीश जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब पुलिस प्रशासन भी ढीला होता हुआ नजर आ रहा है, जो वादे किए जाते हैं, जो महिलाओं की, लड़कियों की सुरक्षा के लिए कहा जाता है, वो लगभग झूठे किए जाते हैं, आपका कहना ये? मध्य प्रदेश में हमेशा शिवराज सिंह पिछले 15 से 20 साल से सरकार में है और झूठे वादे, झूठे बातें कर रहे हैं, लेकिन लगातार मध्य प्रदेश में महिलाओं पर अपराध, बच्चियों का गुम होना, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध दर्ज है, और इस संबंध में सरकार कोई ठोस एक्शन नहीं बना रही है। सरकार को इसके लिए ठोस एक्शन प्लान बनाना चाहिए, जिससे महिला अपराध पर अंकुश लग रहे हौसले और अपराधियों को हौसले परस्त हो। घटना हुई है ग्वालियर से, ये खबर आ रही है, आप वहां के विधायक हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जिस तरीके से घर के अंदर, यानी कि पूरी ये कॉलोनी थी, बच्चियां यहां पर खेल रही थी, बच्चियां सेफ नहीं हैं, इसको लेकर के क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए अभी तक? नहीं, बात करते हैं, अभी मैं अभी यात्रा से आज ही लौटा हूँ और आज अभी एसपी साहब से मिलकर इस संबंध में घटना के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसे अपराधियों को चिन्हित किया जाए। अभी तक सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है, निश्चित रूप से आश्वासन ही किया जा रहा है और कार्रवाई नहीं हो रही है, इसके लिए कार्रवाई करने के लिए प्रशासन पे दबाव बनाया जाएगा, कार्रवाई की जाए। तो आपके मुताबिक कब तक इस पर एक्शन ले लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चियों की बात है? निश्चित रूप से एक्शन लेना चाहिए, अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो हम इस घटना को लेकर आंदोलन करेंगे। तो वहीं अगर जिस तरीके से अभी आपने कहा कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं ढीला पड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसके लिए भी कब एक्शन लिया जाएगा? हेलो सतीश जी, पहुंच रही है आपको आवाज हमारी? जी, जिस तरीके से अभी आपने कहा था कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं ढीला पड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो उसको लेकर के भी अब कब सतर्कता होगी, कब एक्शन लिया जाएगा, कब लापरवाही पुलिस की पीछे होगी? देखो, पुलिस की लापरवाही पूरे प्रदेश में इस समय लगातार जारी है, पूरे प्रदेश में लगातार अपराध, मैं कह रहा हूँ लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, हौसले अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, और इन अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए माननीय शिवराज सिंह जी को एक्शन लेना चाहिए, बातें कम काम ज्यादा करना चाहिए, उन्होंने उनको इनके
के खिलाफ है, कभी भी कुछ भी तरह के बयान जारी करके लोगों को भरोसा नहीं जीता जा सकता। ये समय मध्य प्रदेश में जो स्थिति बन रही है, भय अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के अंदर भय और डर बैठा हुआ है। तो अभी तक अभी सतीश जी आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि यहाँ पर बच्चियों को सेफ किस तरीके से रखा जाए, जो अभिभावक है, यानी कि जिस तरीके से अभी कॉलोनी में बच्चियां खेल रही थी, अपनी कॉलोनी में खेल रही थी, यहाँ पर भी सुरक्षित नहीं है, लोग घर में सुरक्षित नहीं है, कॉलोनी से दूर की बात है, लोग घर में सुरक्षित नहीं है, अपराधियों के हौसले इतने बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को घर से पकड़ के ले जा रहे हैं, अपराध घर में घुस के अपराध कर रहे हैं, तो इस पर एक्शन लेना चाहिए, सरकार को इसके खिलाफ ठोस रणनीति बनानी चाहिए। सतीश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातों को साझा करने के लिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं, जहां अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की गलती है, जो कहीं ना कहीं जो वादे होते हैं सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा जो वादे होते हैं, कहीं ना कहीं झूठे भी साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चियां जो है अपने ही घर के पास खेल नहीं सकती है, घर से निकल नहीं सकती है।